हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड शिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखने वाले हैं, भले आपने वो थंबनेल में पढ़ा हो। थंबनेल में इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि हम बोलते ही यह है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन रियलिटी यह है दोस्तों, हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। जो चीज़ कंटिन्यूसली आ रही है उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे काम को मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो हम यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों वर्क मैनेजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर हम हमारे टाइम के हिसाब से हमारे काम को मैनेज करना सीख गए ना दोस्तों, तो हम लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे जो काम होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला काम होता है दोस्तों इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, मतलब ये ऐसे काम होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। यह काम लगभग सभी लोग करते हैं और करना ही होता है। जैसे एग्ज़ाम अभी 2 दिन बाद है, तो पढ़ाई करना इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है क्योंकि 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है। तो जो लड़का साल भर कभी पढ़ाई नहीं करता है वो भी ऐसे वक्त पढ़ाई करता ही करता है। मतलब ये पहले प्रकार के काम लगभग सभी प्रकार के लोग करते हैं, इन शॉर्ट करना पड़ता है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के काम होते हैं ना दोस्तों, जो सफल लोग होते हैं वो ये दूसरे प्रकार के काम को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। और दूसरे प्रकार के काम होते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। वो इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते हैं। तो सफल लोग क्या करते हैं, पहले इनका बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं कि ये काम मुझे कैसे करना है, किस तरह से करना है, हर रोज़ कितना करना है, मेरे पास अभी कितना समय है, इसका तो पहले वो प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे काम को आपको क्या करना है, प्रॉपरली प्लानिंग करना है सबसे पहले और तुरंत उसे करना शुरू कर देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपने स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लिया आपने और आपकी एग्ज़ाम है एक साल के बाद। पढ़ाई करना इम्पॉर्टेंट है लेकिन बोले अर्जेंट नहीं है क्योंकि अभी कहाँ एग्ज़ाम है। और जो लोग असफल रहते हैं उनका यही रवैया होता है, उनको पता होता है कि वो काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट ना होने की वजह से वह उस काम को करते नहीं है तुरंत, ना ही उसके बारे में कोई प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको उस काम की प्लानिंग करनी है और उस काम को करना शुरू कर देना है। जैसे हमारे सेहत के बारे में, सेहत को अच्छे रखना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, योगा करना बहुत ज़रूरी है लेकिन अर्जेंट तो नहीं है ना, बोले बाद में कर लेंगे, थोड़ी दिन बाद भी करा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आप देखते हो दोस्तों 90% लोग सिर्फ इस कारण की वजह से सेहत के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं और उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं अपनी सेहत को लेकर। उन्हें पता होता है कि वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो अर्जेंट नहीं है और इसलिए उस काम को वो पोस्टपोन कर देते हैं। नहीं दोस्तों, जो काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है उनको तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करो और उनके ऊपर काम करना शुरू कर दो। क्योंकि क्या होगा, अगर अभी आपने नहीं किया काम, अगर उसके ऊपर अभी आपने प्लानिंग नहीं किया, तो बाद में यही काम कन्वर्ट हो जाते हैं इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम में। फिर वो काम आपको करने ही करने हैं लेकिन फिर बाद में क्या होता है, उस काम की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जल्दी जल्दी में वो काम करने होते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है और इसलिए करना ही करना है, लेकिन समय कम होने की वजह से वह काम ठीक से नहीं होते हैं। जैसे फाइनली हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई दवाई तो मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन आपको मॉर्निंग वॉक करना ही पड़ेगा, आपको योगा करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। और फिर आप देखते हो ये लोग, जब आप गार्डन में जाओगे सुबह सुबह, कुछ लोग ऐसे आपको दिखेंगे जिनको ठीक से चलते नहीं आ रहा है, वो भी चलने के लिए आते हैं, उनको चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शुरू में उन्होंने अपने सेहत के ऊपर काम नहीं किया था। तीसरे प्रकार के काम होते हैं दोस्तों नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। और जो असफल लोग होते हैं वह इन काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे काम जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है और उस काम को करने में बड़ा महत्व देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, टीवी पे रात को 9 बजे क्राइम पेट्रोल लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि रात को 9 बजे लगता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ना क्राइम पेट्रोल देखना, ये जो एपिसोड है, ये जो प्रोग्राम है टीवी पे देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है ना, आज ही है और रात को 9 बजे ही है, तो ज़्यादा तो लोग उसे देख लेंगे, बोले चलो देख लेते हैं अर्जेंट है। या फिर दोस्त का बर्थडे या फिर दोस्त की शादी, इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए वह समय अगर आपने आपके पढ़ाई में लगाया तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है ना, आज ही बर्थडे है या फिर आज ही शादी है, तो ज़्यादातर लोग इस काम को बहुत महत्व देते हैं। दोस्तों ऐसे काम आपको डेलीगेट करने हैं, जितना हो सके उतना आप डेलीगेट कर दोगे इस काम को। डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को सौंप दो वो काम,
दूसरों से करके लो वो काम और आप देखोगे 99% काम आप दूसरों से करके ले सकते हो, दूसरों को सौंप सकते हो। और लास्ट के चौथे प्रकार के काम होते हैं दोस्तों हमारे, और वो होते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ऐसे काम जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं होते हैं और अर्जेंट भी नहीं होते हैं। और आप देखोगे असफल लोग ऐसे काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे दोस्त से बात करनी शुरू की फ़ोन पे या चैटिंग करना शुरू किया तो घंटों चैटिंग ही कर रहे हैं या घंटों बात ही कर रहे हैं फ़ोन पे, तो क्या चल रहा है तेरा, आजकल कॉलेज क्यों नहीं आता है, फेसबुक पे दिखाई नहीं देता, ऐसी बातें करते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है और घंटों लगे हैं फ़ोन पे, इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। और ऐसा कहते हैं जियो फ़ोन की वजह से तो नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट काम बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि जियो की वजह से सारे कंपनियों ने जो आउटगोइंग है वो अनलिमिटेड कर दिया है। देखो दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल हमने सही ढंग से करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, तब जाके वो हमें बेनिफिट देती है। तो दोस्तों ये जो चार प्रकार के काम मैंने आपको बताया है, सबसे पहले दो प्रकार के काम जो है वह सफल लोग और सक्सेसफुल लोग करते हैं, लेकिन तीसरे और चौथे प्रकार के जो काम है वो ज़्यादातर असफल लोग करते हुए आपको दिखाई देंगे। जो नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट काम है उसे ड्रॉप कर दो दोस्तों, उनको तो करना ही नहीं है। दोस्तों मैं कामना करता हूँ कि आप बहुत खुश रहो और बहुत सक्सेसफुल रहो। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके, लाइक ज़रूर करना क्योंकि आपका लाइक जो है मेरा हौसला बढ़ाता है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको सचमुच पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में एक बहुत पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक ले थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।